हेलो एवरीवन, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा वीईटी एवं वीआरईटी एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड एंड मॉक टेस्ट की डेट जारी कर दी गई है। इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे वेबसाइट से एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें, मॉक टेस्ट कैसे देना है और किस डेट में देना है इसके बारे में जानेंगे। आप जिस सिस्टम से, मोबाइल से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जिससे आप एक ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे उसकी सूटेबिलिटी कैसे चेक करें, वह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में दी गई है। ऑनलाइन से रिलेटेड आपकी सारी डाउट इस वीडियो में क्लियर होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले देखते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड ईमेल आईडी में यूनिवर्सिटी के द्वारा सेंड भी कर दिया गया है। यदि किसी को ईमेल आईडी में एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस वेबसाइट में जाना होगा। इसकी लिंक है GGUonline.in। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले जाओगे। इस लिंक में आने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सीजन 21-22 इस पे एडमिशन एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एडमिशन एप्लीकेशन है, यहाँ पे है क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू अप्लाई पे जब क्लिक करोगे तो आप न्यू वेब पेज में क्लिक करोगे तो न्यू वेब पेज ओपन होगा GGU.UCANApply.com। या तो आप डायरेक्ट इस लिंक को यूज़ करके इस वेबसाइट में आ सकते हो, या तो फिर आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके उस पेज में जा सकते हो। जब इस पेज में आप आओगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन करके आपको मिलेगा। यहाँ पे साइन इन है तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेंट लॉगिन पे साइन इन है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस को आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डालना है, और पासवर्ड जो आपके द्वारा पासवर्ड बनाया गया है उसको यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को एंटर करने पे एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इस स्टेप से जब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करोगे तो यहाँ पे फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हो माई एप्लीकेशन है, प्रीव्यू फॉर्म है, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है। माई एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ से आप फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हो। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड करके यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे उस पर क्लिक करोगे स्टेप से यहाँ पे नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, कोर्स नेम, रोल नंबर, ये सब सारी जानकारी यहाँ पे दिया रहेगा। तो यहाँ से आप उसको कन्फर्म कर लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, कोर्स नेम, रोल नंबर, ये सब सारी जानकारी दिया रहेगा तो उसको यहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे एडमिट कार्ड करके ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है व्यू अब एंड डाउनलोड। जब इस पर क्लिक करोगे तो एडमिट कार्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये एडमिट कार्ड है, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, कोर्स डिटेल यहाँ पे पूरी जानकारी रहेगी, कोर्स नेम, डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ सबसे नीचे जब जाओगे तो प्रिंट करके ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करोगे प्रिंट पे तो यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन में ये दिया हुआ है डेट फॉर मॉक टेस्ट, तो यहाँ से आप अपना रोल नंबर, डेट एंड टाइम चेक कर सकते हो। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उस केस में आप या तो वेट कर लीजिए कुछ दिन, हो सके ये अपडेट हो। यदि अपडेट नहीं होता है, आपका रोल नंबर यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आप हेल्प डेस्क नंबर में कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड। इसकी एडमिशन ब्राउचर में भी हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएगी, उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हो यदि आपका रोल नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है उस केस में। अब मॉक नेक्स्ट देखते हैं मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। इसी वेब पेज पे आपको मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट करके है, इस पर आपको क्लिक हियर, क्लिक टू स्टार्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे यूज़र मैनुअल है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब आपको पढ़ना है। क्लिक टू स्टार्ट जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा। इस टाइप से नया वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे सिस्टम डिपेंडेंसी चेकिंग, यहाँ पे आपका सिस्टम जो है उसका चेकिंग किया जाएगा। तो इस स्टेप से आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मेन एग्ज़ाम की लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जब मेन एग्ज़ाम होगा उस डेट एंड टाइम पे आपको क्लिक टू स्टार्ट करके मेन एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन पे मिलेगा। स्टूडेंट गाइडलाइंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जिस सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल से आप एग्ज़ाम दोगे उसको कैसे चेक करें कि वह वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उसकी चेक आप कभी भी यहां से कर सकते हो। आपको यहां पे स्टूडेंट गाइडलाइन में जाना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो न्यू पेज ओपन होगा।
इसको मैं पहले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ गाइडलाइंस को डिटेल से। तो यहाँ पे सिस्टम को चेक करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे जाओगे तो एक बटन मिलेगा टेस्ट योर पीसी नाउ पर सुटेबिलिटी। इस बटन पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम की सुटेबिलिटी चेक कर सकते हो। जब इसको क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा, इस टाइप से यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम का यहाँ पे मेरे सिस्टम को यह चेक कर रहा है ये वर्क करने लायक है कि नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये सब यहाँ से आप देख सकते हो। सिस्टम चेक करेगा ब्राउज़र क्रोम है, यहाँ पे ग्रीन टिक है मतलब सही है, टाइम जोन एंड टाइम एशिया कलकत्ता ये भी ग्रीन टिक है, मतलब सभी में आपको ग्रीन टिक शो होना चाहिए। सपोज वेब आरटीसी मतलब लेटेस्ट ब्राउज़र है सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे मेरे सिस्टम में और यहाँ पे वेबकैम डिवाइस यहाँ पे रेड क्रॉस दिखा रहा है। यहाँ रेड क्रॉस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी जिस सिस्टम पे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ उस सिस्टम पे वेबकैम नहीं है, इसलिए यहाँ पे वेबकैम डिवाइस में क्रॉस करके साइन है। आप लोगों को ये श्योर करना है कि आप जिस सिस्टम पे यूज़ कर रहे हो वहाँ पे वेबकैम हो, मोबाइल हो, तो वहाँ पे कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। डिवाइस है यहाँ पे लैपटॉप सिस्टम ये दिखा रहा है सही वर्किंग है, यहाँ पे केवल वेबकैम नहीं है इसके लिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। इस केस में आपको वहाँ पे वेबकैम लगाना पड़ेगा। पूरे 6 जो यहाँ पे ऑप्शन है 6 में यहाँ पे ग्रीन टिक होना चाहिए। तो इस स्टेप से आप अपनी सिस्टम की सुटेबिलिटी चेक कर सकते हो, इसको आप कभी भी चेक कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ सकते हो। ये वेबसाइट याद रखना है GGUonline.in, इसी वेबसाइट में आपको सारी जानकारी मिलेगी। नोटिस एंड अनाउंसमेंट यहाँ पे शो होते रहेगा। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।